चहा मुंबई आणि पाऊस, चहा मुंबई आणि प्रेयसी, चहा मुंबई आणि समुद्र अशी मुंबई आणि चहाच्या प्रेमाची समीकरणं आहेत. त्यात आता एक नवं समीकरण जोडलं जात आहे, चहा मुंबई आणि ऑडी. ऑडी म्हणजे तीच महागातली गाडी. आता हे नवं समीकरण काय आहे ते समजून घेऊया. देश में पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव देखे गए हैं. उनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव है खुद का बिजनेस करना. एंटरप्रेन्योरशिप सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो है वो पिछले कुछ साल से भारत के लिए निभा रहा है. देश में युवा जो है वो अब बिजनेस की ओर जा रहे हैं और छोटे छोटे बिजनेस से बड़ी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में मुंबई में भी अब एक यूनिक तरीके का बिजनेस जो है वो दो युवा द्वारा किया गया है. ये बिजनेस जो है वो वैसे हर कोई करता है. चाय का बिज़नेस जो है वो बहुत बड़ा बिज़नेस है, मगर इसको यूनिक तरीके से उन्होंने अपने सांचे में डाला है. ये पिछले कुछ दिनों से दोनों युवा बेहद वायरल हैं और उनके बिज़नेस को उन्होंने नाम दिया है ऑडी टी स्टॉल वाले. ये गाड़ी है जहाँ पे वो बिज़नेस करते हैं. अपने अलग तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को स्थापित किया है और हर रोज़ शाम को 6 बजे के आसपास वे मुंबई के लोखंडवाला इलाके में पहुँचते हैं और मुंबई के लोखंडवाला इलाके में पहुँचने के बाद इस बिज़नेस को शुरू करते हैं. पूरा सेटअप जो है वो इसी ऑडी कार में लाया जाता है. देखिए ODT ऑन ड्राइव टी इसको नाम दिया गया है. दो युवा जिन्होंने इसको शुरू किया है वो हमारे साथ हैं. मनु जी साथ हैं और साथ ही साथ जो हैं अमित कश्यप हमारे साथ हैं. स्वागत है दोनों का. पहले तो शुक्रिया. मुझे लगता है भारत देश में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली हैं. उनमें से एक चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप की. बिज़नेस शुरू करने के लिए अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो युवाओं को लगती नहीं हैं, वायरल हैं. पहले तो वो बताइए, लोग जो हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पॉटिंग भी होती है अब तो. बिल्कुल सर, वायरल तो है ही और लोग टेस्ट को देख के बार बार टेस्ट को देख के आ रहे हैं सर. और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच सर आपके इस प्यार के लिए. अमित जी आप बताएं किस तरीके से शुरुआत की, क्योंकि कोई भी बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं और एक यूनिक तरीके से आपने सेटअप किया है. कैसे ख्याल आया कि मैं ऑडी में चाय बेचूंगा, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए ऑडी में चाय बेचूँ? तो सर हम एक दिन रात को घूम रहे थे तो हमें चाय नहीं मिली, तो मजाक में भाई ने बोला कि चाय बेचनी शुरू करते हैं. तो मैंने कहा अगर चाय ही बेचनी है तो क्यों ना कुछ अलग तरीके से बेची जाए चाय. मैंने कहा घर पे ऑडी खड़ी है, वैसे भी खड़ी है, तो ऑडी में चाय बेचने हैं क्या, एक अट्रैक्शन मिलेगी. मुंबई क्या है थोड़ा दिखाना पड़ता है लोगों को, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो ज़रूर बना. पर जो हमारा चाय का टेस्ट है वो इतना बेहतरीन है कि आप चाय एक बार पियेंगे तो आप अपने आप दोबारा आएंगे. तो इतना मतलब लोग प्यार दे रहे हैं हमारी चाय को और हमारे इस कॉन्सेप्ट को. बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहली बार हुआ हिंदुस्तान में ये, इससे पहले मतलब ये नहीं हुआ आज तक. तो अमित आपसे जानना चाहूँगा, अब तो शुरुआत तो हो चुकी है, तो आगे किस तरीके से प्लान है और जो युवा नए युवा हैं जो कोशिश कर रहे हैं बिज़नेस सेटअप करने के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप जो हैं वो बिज़नेस सेटअप कर सकें? बिल्कुल सर, कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता. मतलब यही हमारा मेन मोटिव है लोगों को बताने का कि घर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि आप कुछ तो करिए, कुछ भी छोटा मोटा शुरू कीजिए. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ी बात है. तो यही मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व होजिए, उसको करना शुरू कीजिए. सिर्फ बातें करने से या सोचने से कुछ नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता. ये दो युवा हैं जिन्होंने एक नए एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की है. मुंबई का इलाका, मुंबई जैसे शहर में एक बिज़नेस सेटअप करने में बहुत समय लगता है, मगर जिस तरीके से इन दोनों ने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल रही है. ऑडीतल्या चहावाल्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासोबतच मुंबई तक या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.